नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबको आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में जहां से आप ड्रीम इलेवन से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि आप बैटिंग ऑर्डर पता करना चाहते हैं, क्या प्लेइंग इलेवन होने वाली है ये पता करना चाहते हैं, क्या पिच रिपोर्ट है ये पता करना चाहते हैं, कौन से प्लेयर खेलने वाला है और कौन नहीं खेलने वाला ये पता करना चाहते हैं, या फिर देखिए बैटिंग ऑर्डर में कौन ओपनर जोड़ी है, कौन एक नंबर, कौन दो नंबर, कौन तीन नंबर, कौन चार नंबर, ऐसे आप 10th नंबर तक ले पता कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से, जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है और काफ़ी कमाल का वीडियो है, ठीक है। वीडियो को पूरे कंप्लीट वॉच करना, तभी आपको कंप्लीट जानकारी होगी। और देखिए, इसके साथ अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स जो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं सारे लोग, इसमें मैं आपको हर एक प्रोटेक्शन की वीडियो दूंगा, हर मैच का प्रोटेक्शन की वीडियो दूंगा, और सारे के सारे वीडियो में गिव अवे पार्टिसिपेट रहेगी, ठीक है। उसमें भाग लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर 3 विनर बनाएंगे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें फर्स्ट विनर को मिलेगा फुल प्राइज और सेकंड थर्ड को हाफ प्राइज मिलेगा। करना कुछ नहीं है आपको, वहाँ पे बस एक प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, जिसका भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा उसको हम विनर बनाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पे आपको सारी अपडेट मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, या फिर प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च करेंगे पॉसिबल 11 एप्लीकेशन, ठीक है। इतना सर्च करने के बाद आप देखोगे फर्स्ट पेज पर ही आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। देखिए, इसके नाम से कई फेक एप्लीकेशन भी बन गए हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड कर ले, ठीक है। तो देखिए, डाउनलोड करने के बाद आप क्या करना, इसको आप अपने मोबाइल में ओपन कर लेना। तो गाइस, साइड में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या करना है, वो मैं आपको सारे डिटेल्स में बताऊँगा, इसलिए वीडियो को कम्प्लीट वॉच ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैच के बारे में आप जानना चाहते हैं, उस मैच पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस लिस्ट में आपको सारे के सारे मैच मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मैच स्टार्ट हो चुका है, जो प्ले हो रहा है और जो स्टार्ट होने वाला है, टोटल मैचेस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसमें से आपको जो भी मैच देखना है उसको आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। उस पर आपको टैप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करता हूँ, आज जो मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच 3rd ODI, इसी पे मैं आपको सारे वीडियो को बारे में समझा दूंगा, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो मुकाबला है ये शो हो रहा है, 6 घंटा 26 मिनट बाद में ये मुकाबला होने वाला है। ध्यान रहे कि आप जो भी मैच के बारे में देखना चाहते हैं, उस मैच के जब लाइनअप हो जाए तभी आप एप्लीकेशन पे आना, वहाँ पे आपको रियल जानकारी मिलेगा, ठीक है, लाइनअप के बाद में। ऐसे तो आपको हिंच मिल ही जाएगा, कुछ देर पहले भी आप देख सकते हैं, इंजरी के बारे में देख सकते हैं कि कौन प्लेयर खेलने वाला है, कौन नहीं खेलने वाला है, कौन इंजर्ड है और कौन फिट है, ठीक है। ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा कुछ देर पहले ही, ठीक है। प्लस पिच रिपोर्ट और प्लेइंग 11, जो फाइनल प्लेइंग 11 होगी वो सब कुछ आपको टॉस के बाद में होगी, तो टॉस के बाद में आप यहाँ पे आके देख लेना, ठीक है। जैसे कि मैं अभी पहले आपको बता रहा हूँ, यहीं से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिस मैच को आपको देखना है उस पर बस आपको क्लिक करना है, छोटा एड्स आएगा उसको आप कट कर देना, क्योंकि फ्री वर्जन है, यहाँ पे आपको ऐड शो होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको इसका लोगो दिखेगा, यहाँ पे देखिए एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। जो प्लेयर एक नंबर पे हैं, दो नंबर पे हैं, वो दोनों ओपनिंग करेंगे, ठीक है। जो तीन नंबर पर प्लेयर हैं वो आपको तीन नंबर पे आएंगे, जो चार नंबर पे है वो चार नंबर पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर में शेखर धवन और शुभमन गिल, ठीक है, ये दोनों प्लेयर ओपनिंग करने वाले हैं। शेखर धवन टीम का कैप्टन है। प्लस यहाँ पे ईशान किशन, सुरेश अय्यर, इसका जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर सीरियल नंबर है बस वही बैटिंग ऑर्डर है, ठीक है। इसी हिसाब से यहाँ पे ये प्लेयर पिच पे आएंगे, ठीक है।
इसी तरह से आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं साउथ अफ्रीका की जानेमन मलान क्विंटन डी कॉक ओपनिंग करेगा। क्विंटन डी कॉक यहाँ पे देखिए विकेट कीपर है और जो बल्लेबाज है उनके सामने बल्ले का यहाँ पे आइकन है और जो ऑलराउंडर है उसके सामने गेंद और बल्ले का आइकन है, ठीक है। और जो कैप्टन है उसको ऑलरेडी कैप्टन लिख ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसी तरह से बस आपको यहाँ पे सब कुछ शो होगा और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है हिंच की तरह है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कुछ पहले आपको आगाह कर दे रहा है कि इस तरह से प्लेइंग एलेवन रहेगा, प्लस जो टॉस हो जाएगी उसके बाद फाइनल प्लेइंग एलेवन आएगी वहाँ आपको बिल्कुल रियल प्लेइंग एलेवन मिलेगा, ठीक है। तो टॉस के बाद में ही आप यहाँ पे आना, उसी समय में आपको यहाँ पे फाइनल प्लेइंग एलेवन मिलेगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे समझ चुके। अब लास्ट मैच की जो न्यूज है लाइव अपडेट वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका थर्ड ODI के बारे में। इसके नीचे आप आएंगे तो मैच का डिटेल्स, जो मैच पहले खेला गया है उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इंडिया टीम जो भी टीम खेल रहा है उसके आपको अपडेट मिलेंगे। जैसे कि आप देखिए इंडिया टीम का यहाँ पे अपडेट आपको मिल रहा है, सुरेश अय्यर एक्सलेंट रन इन ODI इज कॉन्टिन्यूड, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे को यहाँ पर रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन प्लेयर अच्छा है कौन खराब है, कौन फॉर्म में है कौन फॉर्म में नहीं है, ठीक है। शेखर धवन के बारे में यानी कि ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लेयर के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से इसके नीचे साउथ अफ्रीका का है उसका भी प्लेयर का आपको यहाँ मिल जाएगा। अब देखिए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हेड टू हेड मुकाबले में कई बार इंडिया ने विन किया है, कई बार साउथ अफ्रीका ने विन किया है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इंडिया ने 36 बार मैच को विन किया है हेड टू हेड में, ठीक है, और साउथ अफ्रीका ने 50 बार मैच को विन किया है हेड टू हेड में। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद में देखिए इंडिया में साउथ अफ्रीका रिसेंट परफॉर्म, रिसेंट में कौन प्लेयर अच्छा परफॉर्म किया है और कौन टीम विन किया है सबसे ज़्यादा, कौन टीम लॉस किया है सबसे ज़्यादा, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि इंडिया ने यहाँ पर 4 मैचेस में 3 बार विन किया है, साउथ अफ्रीका ने 4 मैचेस में बस 1 बार विन किया है, बाकी के 3 बार लॉस किया है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। फैंटेसी टिप्स के बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन से प्लेयर मोस्ट पिक है, कौन से प्लेयर को लेना है, कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विनिंग प्रोटेक्शन दोनों टीम का आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल लीग मोस्ट पिक आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रैंड लीग के पिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। की प्लेयर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, की प्लेयर होता क्या है, की प्लेयर मतलब कि इम्पोर्टेंट प्लेयर, ठीक है, उसके प्लेयर दोनों टीम से आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। शेखर धवन, शुभमन गिल, सुरेश अय्यर, संजू सैमसन, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डीकॉक, रिजा हिंग्रिज, एडन मार्करम, डेविड मिलर, केकिशोर अवाड़ा, एनरिच नोरकिया, ठीक है। तो की प्लेयर आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। इसके अलावा देखिए बेस्ट परफॉर्म फॉर इंडिया, इंडिया का जो प्लेयर है कौन प्लेयर पिछले मैच में बेस्ट परफॉर्म किया है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी तरह से साउथ अफ्रीका के भी यहाँ पे शो हो जाएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके च्वाइस आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इंडिया से और शेखर, इंडिया से और साउथ अफ्रीका से दोनों टीम से आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे वेन्यू पिच रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिच का डिटेल्स कहाँ पे मैच है, किस टाइम में मैच होगा, कौन कौन से पिच पे चलने वाले हैं, बॉलर बैट्समैन चलेंगे या बॉलर चलेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। वेदर रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पिच पर बारिश होने वाला है या नहीं होने वाला है ये भी आपको मिल जाएगा, ड्यू आने वाला है या नहीं आने वाला ये भी आपको यहाँ पे वेदर रिपोर्ट में मिल जाएगा। वेन्यू स्टेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं वेन्यू बॉलिंग को कैसे परफॉर्म कर रही है, बैटिंग को कैसे परफॉर्म कर रही है, ऑलराउंडर को कैसे परफॉर्म कर रही है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेकेंड इनिंग में क्या वेन्यू की रिकॉर्ड रहने वाली है और फर्स्ट इनिंग में क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ड्रीम इलेवन के सिक्योर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोनों टीम का, यानी कि ऑलमोस्ट की ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे इस एप्लीकेशन से, बस एक एप्लीकेशन से। तो काफ़ी कमाल का एप्लीकेशन है, जाइए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और आज से ड्रीम इलेवन पे अपनी फैंटेसी टीम बेहतरीन बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं।